कर्ज और आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में चीन ने अपनी एक खास जगह बना ली है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की सेना अब मेड इन चाइना हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के लिए चीन हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। पाकिस्तानी सेना जिन लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, पनडुब्बियों, मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, उनमें से ज्यादा चीन में बनाए गए हैं। साल 2017 से 2021 तक के आंकड़ों से पता चला है कि चीन ने पाकिस्तान की हथियारों की 72% मांग को पूरा किया है। ये आंकड़े हथियारों को दूसरे देश भेजने और संघर्ष पर ध्यान देने वाले स्वतंत्र संस्थान ने इकट्ठा किए हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए आंकड़ों के अनुसार चीन ने इस समय जितने भी प्रमुख हथियारों का निर्यात किया है, उनमें से 47% पाकिस्तान को गए हैं। पाकिस्तान ने 2012-16 के बीच 67% हथियार चीन से निर्यात किए, जो 2007 से लेकर 2011 के आंकड़े से 39% ज्यादा है। सिप्री के विश्लेषण से पता चला कि कई डील्स को साथ में निर्मित करने या ज्वाइंट प्रोग्राम का नाम दिया गया है, यानी इन हथियारों को मेड इन पाकिस्तान दिखाया गया है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। असलियत ये है कि हथियारों के अनुसंधान और विकास का काम मुख्य तौर पर चीन का है। पाकिस्तान और चीन के बीच हथियारों को लेकर हुई बड़ी डील्स में JF-17 लड़ाकू विमान की खरीद शामिल है। इसके ज्यादा एडवांस ब्लॉक 3 वर्जन की डिलीवरी इसी साल से शुरू हो जाएगी। सिप्री के आर्म्स ट्रांसफर प्रोग्राम के वरिष्ठ रिसर्चर साइमन वेजमैन ने कहा, J-10 लड़ाकू विमान के पहले बैच की डिलीवरी इस साल की शुरुआत में हो गई है। ये चीन की ओर से बनाए गए इस विमान का पहला निर्यात था। ये JF-17 से ज्यादा एडवांस है। वेजमैन का कहना है कि चीन पाकिस्तान को सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो उसे कई तरह के गाइडेड बम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने वाली एडवांस मिसाइलें भी दे रहा है। पाकिस्तान के इस खरीद के पीछे का कारण ये भी है कि भारत ने फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद की है, जो हवा से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चीन के बाद पाकिस्तान ने 2017-21 में अपने प्रमुख हथियार स्वीडन और रूस से लिए हैं। इसके साथ ही चीन के लिए सबसे बड़े ग्राहकों में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश और थाईलैंड है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाकिस्तान का अधिकार है कि वो किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है। पाकिस्तान की सेना भले ही मेड इन चाइना हो जाए, लेकिन वो भारतीय सेना और भारत के शूर वीरों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।